उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम सेक्शन 1। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आता है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है। तो नेचुरली इसमें जो आंसर होगा वो आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश का एक्ट है, तो नेचुरली स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में अप्लाई होगा। बट जो आपने याद रखना है सेक्शन 1 में कि जो डिफेंस एरियाज हैं, जो जो एरियाज कंटोन कैंटोनमेंट एरियाज हैं, उनके लैंड को जहां पर उसको ओन किया गया है, रिक्विजेंड है और टेकन ऑन लीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, वो इसमें नहीं आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेयर दिस एक्ट अप्लाई? यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। तो पूरे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में अप्लाई होगा, बट जो लैंड डिफेंस के पर्पज से लिए गए हैं, जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं, जो कैंट एरियाज हैं, जो आप कहते हैं जो जो रक्षा क्षेत्र के लिए लिए जाते हैं, उन एरियाज के ऊपर ये यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये होता क्या है, ये एक्ट जो इसका ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जैसे मान लो कि जैसे दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो जैसे जहां पार्क रखना है, जहां एमिनिटीज देनी है, जहां स्कूल्स बनने हैं, जहां घर बनने हैं, जहां छोटे फ्लैट्स बनने हैं, बड़े फ्लैट्स बनने हैं, सर्विस लेन है, तो उसके बारे में पूरी प्लानिंग है। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी ये एक्ट 1973 में आया है, जहां जो बड़े बड़े शहर हैं, जहां पर जो जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, वहां पर प्लानिंग की दिक्कत है बहुत। तो उसकी वजह से ये एक्ट लाया गया कि उनको प्रॉपर तरीके से प्लान किया जाए, एक मास्टर प्लान बनाया जाए, एक जोनल डेवलपमेंट प्लान होता है उसमें, आप आगे पढ़ेंगे इसमें, मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान। तो मास्टर प्लान क्या होता है, जिसमें कि जैसे मान लो कि एक टारगेट ले लिया, 10 साल, 15 साल, 20 साल में इस शहर में सारी चीजें ऐसे होनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या होना है, मतलब ये समझ लो कि व्यवस्थित तरीके से उसको उसको बसाना उस शहर को, कि ऐसा नहीं हो कि एक साथ ही सारे घर हो और वहां पर कोई स्पेस ना हो, ना सड़कें हो, ना ड्रेनेज की सिस्टम हो, ना पार्क हो, ना स्कूल्स की हो, ना ना मॉल्स हो, ना ना कमर्शियल स्पेस हो, तो ऐसा नहीं हो। तो इसके लिए ये एक्ट लाया गया है, और ये एक्ट मेनली जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, जैसे इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो वहां पर वो उस तरह से उसको प्लान करके डेवलप करती है, यही ये एक्ट है। तो इसमें सेक्शन 1 जो आपने याद रखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो ये आएंगे कि इसमें डिफेंस इंक्लूडेड है या नहीं है, तो आपने याद रखना है कि डिफेंस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस आपने डेफिनेशन पार्ट में जो आपने याद रखना है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन DD, जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की डेफिनेशन दी गई है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के होते हैं, उसके बारे में सेक्शन 2DD के बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट आपने याद रखना है वो है सेक्शन 2G डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी नेक्स्ट लेटर पार्ट ऑफ डिस्कशन में कि क्या क्या है ये, कैसे ये काम करते हैं, लेकिन ये मैं डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन से डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखने ही है। तो 2G आपने याद रखना है, 2F आपने याद रखना है, उसके बाद जो आपने याद रखना है वो 2H का म्यूटेशन चार्जेस आपने याद रखना है, स्टैकिंग फी KK, 2KK ये याद रखना है आपने, स्टैकिंग फी जो ढेर आपने कोई मलबा जमा कर दिया है उसके ऊपर जो शुल्क लगेगा, उसके बाद 2LL आपने याद रखना है जो कि वाटर फीस है। इतने डेफिनेशन आपने याद रखना है, एक्ट बेयर एक्ट के साथ में बता रहा हूं, तो आपके पास नहीं भी बेयर एक्ट है तो आप वीडियो लेक्चर सुनते सुन हुए आप एक्ट में देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आपने याद रखना है। आपने अगर 2-3 बार लेक्चर्स को प्रॉपरली अगर आपने सुन लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में आओगे। नाउ कम टू चैप्टर 2। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, टोटल 8 चैप्टर हैं, एंड इट इज एप्लीकेबल एक्सेप्ट डिफेंस एरिया। अब आ जाओ सेक्शन 3 एंड 4 के ऊपर। सेक्शन 3 एंड 4 बोथ सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। अब देखो नेचुरली प्लान करना है, डेवलप करना है, एक शहर को बसाना है, तो सबसे पहली जरूरत क्या होगी कि एरिया को डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर करना।
जिस भी एरिया को स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, सेक्शन थ्री ये कहता है, दिस सेक्शन टॉकिंग अबाउट डिक्लेरेशन, तो जिस भी एरिया को वो डेवलपमेंट सॉरी जिस भी एरिया को एज डेवलप करना चाहती है, उस एरिया को क्या डिक्लेयर करेगी कि वो एरिया डेवलपमेंट एरिया होगा, और उसकी नोटिफिकेशन भी होगी गैजेट में, इट मे बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो ये जब नोटिफाई किया जाता है इसको गैजेट में, तो उसके बाद उसके आगे की जो प्रोसीडिंग है, जो भी आगे उसमें प्लान्स होंगे वो बनाए जाएंगे। तो कौन डिक्लेयर करता है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हु डिक्लेयर्स एन एरिया एज डेवलपमेंट एरिया, तो डेवलपमेंट एरिया को स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और उसको नोटिफाई करती है गैजेट में कि ये डेवलपमेंट एरिया है। अब आ जाओ सेक्शन फोर के ऊपर। सेक्शन फोर कहती है डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेचुरली जब डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर हो गया, तो डेवलपमेंट एरिया के डिक्लेयर होने के बाद अब वहां क्या, अब वहां किसकी जरूरत होगी, अब वहां डेवलपमेंट अथॉरिटी की जरूरत होगी, जो कि उस एरिया में जो भी डेवलपमेंट होनी है, जो भी मास्टर प्लान बनने हैं, डेवलपमेंट प्लान बनने हैं, कहाँ क्या होगा, उसकी सर्वे करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या उसके उसके उस उसको किया जाएगा, एग्जीक्यूशन उसकी की जाएगी कैसे, तो वो सारा कौन करेगा, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। तो ये सेक्शन फोर है आपका, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट कॉन्स्टिट्यूट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एन अथॉरिटी टू बी कॉल्ड द डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर एनी डेवलपमेंट एरिया। तो आगे आपको जहां भी ये अथॉरिटी वर्ड मिले पूरे एक्ट में, आप समझना कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जहां भी आपको पूरे एक्ट में ये मिलता है, दैट इज डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सेक्शन फोर आपने याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी और ये भी इसकी भी नोटिफिकेशन होगी गैजेट में। अब उसका जो भी नाम दिया जाएगा, नेचुरली जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो उसी तरह से इलाहाबाद में इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो सकती है। तो ये जो अथॉरिटी है, ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये क्या करेगी, ये वहां काम करेगी, इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर होगी जमीन को अक्वायर करने की, उसको डिस्पोज ऑफ करने की। जो आपने यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है इमूवेबल एंड मूवेबल, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, ये याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो उसको जो उसकी जो पावर है टू अक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कर सकती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी कर सकती है या दोनों कर सकती है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो लैंड से रिलेटेड ही इनको देखना है, लैंड्स को अक्वायर करना है, प्लान करना है, लेकिन वो वहां पर दोनों ही करेंगे, मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही दिखा हुआ है। सब सेक्शन टू में जब आप देखोगे तो मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों ही लिखा हुआ है, राइट। तो ये आपने याद रखना है। अब जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे, ये बिल्कुल याद रखना है एग्जाम में, ये प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एचजेएस में आ सकता है। ये कौन कौन उसके मेंबर्स होंगे, चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, जो सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट इन विच फॉर द टाइम बीइंग बिजनेस रिलेटिंग टू डेवलपमेंट अथॉरिटीज इज ट्रांजेक्टेड एक्स ऑफिसियो, वो सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जल निगम, मुख्य नगर अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट, फोर मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय सभासद। इसमें कंफ्यूजन होती है कि ये चार मेंबर याद रखना, फोर मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय सभासद ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सारे जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये उनके मेंबर्स होते हैं। और जो अपॉइंटमेंट होती है वाइस चेयरमैन की, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है वो है वाइस चेयरमैन, क्योंकि आप आगे जब एक्ट में देखोगे तो जितने भी काम है वो सारे वाइस चेयरमैन ही करेंगे। वो वाइस चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट है वो होल टाइम होती है, और वाइस चेयरमैन से जो अपील होती है, जो वाइस चेयरमैन की डिसीजन है उसकी जो अपील जाएगी वो चेयरमैन के पास जाती है, कुछ केसेस में अलग जगह भी जाती है, वो हम आपको डिस्कस करेंगे, आगे बताएंगे कि कहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है, राइट। तो वाइस चेयरमैन को यहाँ पर सारी सैलरीज और अलाउंसेस जो भी हैं वो उनको मिलेंगे। तो आपने जो इस फोर सेक्शन में याद रखना है वो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी याद रखनी है। स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी डेवलपमेंट अथॉरिटी को, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो आप एक दो बार उसको रीड कर सकते हैं, और उनकी जो वाइस चेयरमैन है
वो फुल टाइम होती है उनकी, अपॉइंटमेंट जो वाइस चेयरमैन की होती है वो फुल टाइम होती है। और इसमें एक और पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो जे है, सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 3 एज मे बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 3 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी जिनको, तो नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट 3 मेंबर्स, राइट। तो ये था आपका सेक्शन 4। अब आ जाओ सेक्शन 4 के बाद, नाउ कम टू अब सेक्शन 5, 5A नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू सेक्शन 6। ये सारी ये जो लेक्चर है ये पूरा यूपी के एग्जाम, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि ये सेक्शंस आप उसको प्रॉपरली आप उसको रीड कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। अब सेक्शन 6 बात करती है एडवाइजरी काउंसिल की। तो जैसे मैंने जब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो कंसोलिडेशन कमिटी है उसकी डिस्कशन होती है, उससे एडवाइस ली जाती है, उसको बताया जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो तैयार करते हैं। यहां पर क्या है, इस एक्ट में जो अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी एडवाइजरी काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग द अथॉरिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मास्टर प्लान बनना है, मास्टर प्लान लंबे समय के लिए बनेगा, नेचुरली 15-20 साल, 25 साल, आपने सुना होगा जैसे दिल्ली में भी 2020 प्लान, विजन प्लान, विजन डॉक्यूमेंट्स ऐसे नाम से बनाते हैं ये, तो कि ये मास्टर प्लान में क्या क्या किया जाएगा, नदियों की सफाई की जाएगी, शहरों को कैसे बसाया जाएगा, कहाँ पर अपार्टमेंट्स होंगे, कहाँ मॉल्स होंगे, कहाँ पार्क होंगे, कहाँ स्कूल होंगे, ताकि वो व्यवस्थित लगे बिल्कुल। उसको उसकी उसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी ध्यान रखते हैं कि जो सड़क के किनारे जो सड़कें हैं, वो सड़कों वो सड़क के कि दोनों किनारे जो मकान हैं उनको एक कलर में पेंट किया जाए, उनके लिए वो सारी सारा सारी बातों का वो ध्यान रखा जाता है इसमें। तो नेचुरली एडवाइजरी काउंसिल इसलिए बनाई जाती है ताकि वो प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर प्लान में अथॉरिटी को हेल्प कर सके, अथॉरिटी को एडवाइस कर सके, क्योंकि हर कोई हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस ली जाएगी। तो सेक्शन 6 में आपने याद रखना है कि जो जो एडवाइजरी काउंसिल है उसको स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। दिस इज व्हाट सेक्शन 6 इज। नाउ कम टू चैप्टर 3, मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 9 बिल्कुल याद रखना। जैसे 3 एंड 4 मैंने बोला बताया आपसे, वैसे सेक्शन 8 एंड 9 ये सेक्शन फिर से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरली अब तक आपने क्या समझा, डेवलपमेंट एरिया डिक्लेयर हो गया स्टेट गवर्नमेंट ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, राइट। तो पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, उस जगह को ब्यूटिफाई करना, वहां की डेवलपमेंट करना, वहां उसको प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करना, बसाना, तो उसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा सबसे पहले। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है ये मास्टर प्लान। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मास्टर प्लान है ये अथॉरिटी प्रिपेयर करती है, ये अथॉरिटी है। देखो आप इसको रीड करोगे सेक्शन 8 को, तो ये कहता है द अथॉरिटी शैल एज सून एज मे बी प्रिपेयर अ मास्टर प्लान फॉर द डेवलपमेंट एरिया। तो अथॉरिटी यहाँ कौन है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो बिल्कुल याद रखना, मास्टर प्लान कौन बनाता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाती है, मास्टर प्लान बाय डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब मास्टर प्लान को क्या करेंगे, अलग अलग जोन्स में डिवाइड करेंगे, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, जिस भी तरीके से, जिस भी पर्पस से, जैसे उनको लगता है कि उन्होंने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे वेरियस जोन्स में, और एक बेसिक पैटर्न ऑफ फ्रेमवर्क होगा जिसके बेसिस पर वो क्लैम काम करेगी। और मास्टर प्लान में सारे मैटर्स जो भी नेसेसरी हैं, वट एवर इज नेसेसरी, मे बी नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ दैट डेवलपमेंट एरिया, उसमें वो सारी प्लानिंग कर दी जाएगी मास्टर प्लान्स में। अब नेचुरली जब मास्टर प्लान बन गया तो अब उसके बाद जोन्स में डिवाइड किया गया है, तो अब उस जोन्स को डिवाइड किया जाएगा। जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में रोहिणी है, पीतमपुरा है, अलग अलग साउथ है, साउथ में साकेत है, दूसरे इलाके हैं, तो उसी तरह से फिर अब मान लो कि जो भी जिस जगह भी ये डेवलपमेंट के प्लानिंग की जा रही है,
जहां के लिए भी ये बनाया जा रहा है मास्टर प्लान पूरे दिल्ली के लिए, तो अब जोन्स में डेवलप किया गया है, तो अब उसके लिए एक जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा कि हर जोन्स के लिए अलग अलग होगा। एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है कि हर जोन में सेम फॉर्मूला के ऊपर ही वो डेवलपमेंट की जाए, नो। तो अब ये सेक्शन 9 बात करती है जोनल डेवलपमेंट प्लान्स की। तो जैसे ही मास्टर प्लान बनाया गया उसके साथ साथ ही एज सून एज मे बी देयर आफ्टर द अथॉरिटी शैल प्रोसीड विद द प्रिपरेशन ऑफ अ जोनल डेवलपमेंट प्लान फॉर ईच ऑफ द जोन्स इनटू व्हिच डेवलपमेंट एरिया मे बी डिवाइडेड, राइट। तो जहां भी मास्टर प्लान बना, मास्टर प्लान बनने के बाद जो उसको जोन्स में डिवाइड किया गया है उनके लिए जोनल डेवलपमेंट बनाया जाएगा, और ये भी अथॉरिटी ही बनाएगी, ये भी डेवलपमेंट अथॉरिटी ही बनाएगी। तो ये दोनों ही सेक्शन में आपने याद रखना है कि ये दोनों ही डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाना है, मास्टर प्लान भी और जोनल डेवलपमेंट प्लान भी। अब जोनल डेवलपमेंट में क्या होगा, अब जोनल डेवलपमेंट और इसको नैरो डाउन कर लो, अब आ जाओ एकदम अपने आप गली मोहल्ले के ऊपर कि कहां क्या बनना है, कहां रोड्स, हाउसिंग, रिक्रिएशन, इंडस्ट्री, बिजनेस, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, पब्लिक प्राइवेट, ओपन स्पेसेस, कमर्शियल, पब्लिक प्राइवेट यूज, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, बिल्डिंग डेंसिटी कितनी होगी, रोड्स कितनी चौड़े होंगे, सर्विस लेन कितना होगा, पीछे आगे कितना स्पेस रखा जाएगा, प्लॉट्स की साइज क्या होंगी, किस साइज के प्लॉट्स होंगे, अलग अलग कौन कौन सी साइज के बनाए जाएंगे, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। सेक्शन 9 को से जब आप रीड करोगे जोनल डेवलपमेंट प्लान को, तो इसमें ये 12 सब सेक्शंस हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा कि सारा, जो कहने का मतलब है आप ये समझ लो कि जो भी नेसेसरी है वहां पर उसके उसको बनाने के लिए, उसको वर्कशॉप्स, वेयरहाउस, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चरल फीचर्स कैसे होंगे, कैसे बनाए जाएंगे, क्या उसमें पार्क कैसा होगा, हर चीज की व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी, पूरी उसको एक जोनल डेवलपमेंट प्लान की तरह वो वहां पर बना दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर सेक्शन 10 है, यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं कि ये सेक्शन 10 एक्चुअली पहले आ गया है, तो सेक्शन 11, 12, 14 एंड 16 के बाद आप सेक्शन 10 समझो तो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। और अगर आप यहां भी समझते हैं तो आप ये समझ लें कि जैसे जब ये प्लान बनाया गया तो ये मास्टर प्लान, जोनल डेवलपमेंट प्लान, प्लान कहने का मतलब दोनों ही है, मास्टर प्लान भी है, जोनल डेवलपमेंट प्लान भी है, तो ये जो प्लान है इनको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? कि वो अप्रूव करे, फॉर अप्रूवल। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाना है लेकिन अप्रूवल किसकी लेनी है? स्टेट गवर्नमेंट की। कौन से सेक्शन में लेना है? अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10 में लेना है। कितना आसान है, बिल्कुल आप आसानी से याद रख सकते हैं सेक्शन 8, 9 एंड 10। अब 10 में आपने कहां भेजना है उसको, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहां भेजना है उसको अप्रूवल के लिए? उसको भेजना है स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब देखो, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव करना ही है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने देखना है उसको कि ये प्लान जो बनाया गया है ये सही से तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, क्या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, कोई मॉडिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर ये प्लान बिल्कुल बकवास बनाया गया है, ये प्लान सही नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल देने से पहले ये सारी बातों को देख लेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि स्टेट गवर्नमेंट रिजेक्ट भी कर सकती है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो प्लान, मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान उस जोन के लिए डिक्लेयर करके, सॉरी प्रिपेयर करके भेजा है अप्रूवल के लिए, उसको वो रिजेक्ट भी कर सकती है, उसमें वो मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट कर सकती है, या उसको लगता है कि नहीं वो ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसको अप्रूव कर देगी। सेक्शन 10 में अप्रूवल आ गई आपकी, राइट। अब इस अप्रूवल के लिए जो प्रोसीजर है वो क्या है, मैंने बताया ना आपसे कि 11, 12 से पहले सेक्शन 10 आ गया है, तो 11 ये पहले आना चाहिए। वैसे सेक्शन में अगर आप देखें, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं ऑर्डर में, तो आपको लगेगा कि सेक्शन 11 पहले होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 11 में क्या है कि जैसे मान लो एक प्लान बना, ठीक है, तो प्लान सबमिट करने से पहले, स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूवल में भेजने से पहले अथॉरिटी क्या करती है, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए एक या कोई ऑब्जेक्शन है या फिर कुछ उसमें सजेशंस है तो उसके लिए वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिस लोकल लिमिट के लिए है, जहां भी जिस जिस लैंड से रिलेटेड है, जहां भी प्लान वो सिचुएटेड है,
तो उसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन वो देगी अप्रूवल से पहले, क्योंकि अप्रूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजना है। तो अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट की लेने से पहले अथॉरिटी क्या करेगी, उसको भेजेगी, उसको उसको इंस्पेक्शन के लिए उसको पब्लिश करेगी नोटिस की, हाँ जी किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई सजेशन देना है, किसी की कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो वो उसको कंसिडर कर सकती है। यही बात सेक्शन 11 में कहती है। नाउ कम टू सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो जैसे ही प्लान अप्रूव किया गया स्टेट गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी उसको क्या कर देगी, पब्लिश कर देगी और नोटिस उसमें दे देगी कि ये प्लान अप्रूव कर दिया गया है, और उसको कॉपी उस प्लान को कोई अगर इंस्पेक्ट करना चाहता है, कोई देखना चाहता है, तो देख सकता है। अपॉन द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ प्लान शैल कम इनटू ऑपरेशन। तो बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कब ये डेट क्या होती है कमेंसमेंट की, तो जब प्लान अप्रूव हो गया स्टेट गवर्नमेंट से, उसके बाद अथॉरिटी जब उसकी नोटिस दे देगी, तो उसकी जो अपॉन द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस प्लान शैल कम इनटू ऑपरेशन, ये अंडरलाइन कर लेना इसमें लास्ट लाइन जो है, अपॉन द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ नोटिस द प्लान शैल कम इनटू ऑपरेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कब वो प्लान, जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान है, वो कब ऑपरेशन में आएगा, कब वो स्टार्ट होगा, राइट, उसको कब माना जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन जो अब हमने इस चैप्टर में देखा। नाउ कम टू चैप्टर 3A। चैप्टर 3A बड़ा आसान है, सेक्शन 12A। एग्जाम में क्वेश्चन मेंस में आ जाता है इससे, ये वैसे है बड़ा आसान। इसमें क्या कहता है, ये समझो कि जैसे मान लो आपके एरिया में कोई मार्केट है, इसे समझो इसको, उस मार्केट को जो अथॉरिटी है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो प्लान अप्रूव हुआ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें ये डिसाइड किया गया कि इसको इसमें यहाँ पर व्हाइट कलर के मार्बल्स लगाए जाएंगे, जो सड़कें होंगी वो कौन सी क्वालिटी की होगी, पेडेस्ट्रियंस कितनी चौड़ी होंगी, जो दोनों तरफ की दुकानें हैं, वो दोनों तरफ के जो शॉप्स हैं उनका कलर क्या होगा, उनके वॉल का पेंट क्या होगा, जो ऊपर मान लो कि जो बोर्ड्स लगने हैं वो बोर्ड्स बिल्कुल एक तरह जैसे होने चाहिए। आपने कई जगहों पर देखा होगा कि ऐसे ही बिल्कुल होते हैं, जो उनकी व्हाइट वॉश है, जो कलर है, जो फेसेड है, जो सामने का हिस्सा है, उसको पेंट कैसे किया गया है, तो ये सारा वो डिसाइड करेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेंस पर्पस से, कि वो मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ फेसेड ऑफ सर्टेन बिल्डिंग अबटिंग आर्टेरियल रोड्स, वो रोड्स के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, अगर मान लो कि वो कोई मना करता है, मान लो कहा गया कि इसको आपने ग्रीन कलर में आपने कराना है फेसेड को, सारा पूरे सारे जितने भी घर हैं, वो सारे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो सारी ग्रीन कलर की होनी चाहिए, अगर कोई मना करता है, क्योंकि वो जिसने कराना है वो उसने अपने कॉस्ट से कराना है उसको, लेकिन अगर कोई मना करता है, कहता है मैं नहीं कराऊंगा, तो ऐसा नहीं कर सकता, उसने करना ही होगा। अगर वो नहीं करता है तो अथॉरिटी उसको खुद से कर लेगी, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो खुद से करेगी, और जो उसका कॉस्ट है, उसका कॉस्ट जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर, वहां पर ऐसा नहीं कि अथॉरिटी ने उसमें खर्चा किया, अथॉरिटी ने कराया तो उसका वो उसमें वो कॉस्ट ऐड करके वो उसमें उसको रिकवर करेगी, नहीं, ये जो कॉस्ट होंगे जो भी वर्क इसमें अथॉरिटी करेगी वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर होगी, और वो अमाउंट उन्होंने देना होगा। सेक्शन सब सेक्शन 3 आप देख सकते हैं 12A का, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। और अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और जो ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इस रिगार्ड में फाइनल होगा कि जो अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि कॉस्ट इतना आया है, खर्चा इतना आया है इनके मकान के, इनके फेसेड को, सामने वाले हिस्से को पेंट कराने में, तो वो उसको पे करना होगा। अगर वो नहीं पे करता है, अब मान लो कि वो नहीं पे करता है, तो फिर कैसे होगा, तो रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू। सब सेक्शन 4 की ये लाइन बिल्कुल याद रखना, इट शैल ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ द वाइस चेयरमैन बी रिकवरेबल फ्रॉम द ऑक्यूपायर एज एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि वाइस चेयरमैन किस कौन सर्टिफाई करेगा उसको, सर्टिफिकेट ऑफ वाइस चेयरमैन, वो वैसे ही रिकवरी होगी उसकी जैसे लैंड रिवेन्यू की रिकवरी होती है। नाउ कम टू चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज अमेंडमेंट ऑफ मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान। तो सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14, ये दोनों ही सेक्शन बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
आपने बिल्कुल याद रखना है सेक्शन 13 और 14 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट. तो दिस कम्स अंडर सेक्शन 13 एंड 14 कम्स अंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी. अगर आपने ये सेक्शन आपने समझ लिए, कमांड रख हो गया आपका, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि इन्हीं सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यूपीपीसीएस में, यूपीएचजेएस में, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ. आप देख लेना कोई भी क्वेश्चन बैंक निकालकर, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, सारे क्वेश्चंस आपको इन सेक्शंस से ही मिलेंगे. आपने लेक्चर्स को क्या करना है, बस दो तीन बार ध्यान से सुनना है. बेयर एक्ट भी आपके पास सामने है स्क्रीन के ऊपर, कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप जहां भी हो आप इसको सुन सकते हैं. नाउ कम टू सेक्शन 13. ये जरूर याद रखना कौन क्या बनाएगा, कौन किसकी पावर है. तो अब फिर 13 के ऊपर जब आते हैं, तो अब आ गया अमेंडमेंट के ऊपर बात आ गई. अब प्लान बन गया, मास्टर प्लान बन गया, जोनल डेवलपमेंट प्लान बन गया, कैसे उसको लिया जाएगा, अप्रूवल कैसे ली जाएगी, कब वो डेट होगी उसकी कमेंसमेंट की, कैसे उसको उसमें फेसेट वगैरह को पेंट किया जाएगा, ये सब आपने समझ लिया. अब मान लो अप्रूवल और इन ये होने के बाद, अब उसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत महसूस होती है, किसी तरह के किसी सुधार की जरूरत महसूस होती है, तो वो सुधार कौन करेगा? क्या उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना होगा? क्या वाइस चेयरमैन करेंगे, क्या चेयरमैन करेंगे, या डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी? तो इसका जो आंसर है, ये इसमें आंसर है, ये करेगी डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ही करते हैं इसमें अमेंडमेंट. तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड व्हेन स्टेट गवर्नमेंट. तो फर्स्ट जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 को, तो कहता है अथॉरिटी मे मेक एनी अमेंडमेंट्स इन द मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान एज इट थिंक्स फिट. मींस पूरी वास्ट पावर इनके पास है, जो भी उनको जरूरी लगता है वो अमेंडमेंट्स वो कर सकती हैं. लेकिन लेकिन जो आपने एग्जाम में याद रखना है, आप देख लेना क्वेश्चंस ये कई बार आए हैं, ये डू नॉट अफेक्ट द, लेकिन वैसे अमेंडमेंट्स वो नहीं कर सकती है जो alteration in the character of the plan, last line dekhna subsection 1 ki, and which do not relate to the extent of land uses or the standard of population density. ye bilkul yaad rakhna ye last line iski, ki jo bhi yojana hai, jahan bhi development authority hai, jahan bhi usko zarurat hai, wo theek hai, lekin jahan par agar wo maan lo important alteration hai in the character of the plan, jahan park hai wahan kothi banane aaya hai bana di, जहां स्कूल है वहां वहां कुछ और बना दिया, तो जो इंपॉर्टेंट ऑल्टरेशन है वो नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकता वो. या फिर लैंड यूजेस के एक्सटेंट को लेकर अगर कोई है, कि भूमि का उपयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये बिल्कुल याद रखना कि ये अमेंडमेंट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं कर सकती है. जो इंपॉर्टेंट ऑल्टरेशन इन द कैरेक्टर ऑफ द प्लान और एक्सटेंट ऑफ लैंड यूजेस, स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, which do not relate to the extent of land uses or the standards of population density, as it thinks fit, amendments which in its opinion do not affect important alteration in the character of the plan and which do not relate to the extent of land uses and to or the standards of population density. To inme amendments kon kar sakta hai? To inme amendments state government kar sakti hai. जो ये ऑल्टरेशन करेक्टर वाली है और जो एक्सटेंट ऑफ लैंड यूजर, स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इनमें जब अमेंडमेंट करनी होगी तो पावर अथॉरिटी की नहीं होगी, ये पावर किसकी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की होगी. स्टेट गवर्नमेंट मे मेक अमेंडमेंट्स इन द मास्टर प्लान और द जोनल डेवलपमेंट प्लान, वेदर सच अमेंडमेंट्स आर ऑफ नेचर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 और अदरवाइज. देखो यहाँ वर्ड यूज किया गया है और अदरवाइज, कहने का मतलब है कि वो सबसेक्शन 1 में जो है वो तो ठीक है, वो तो कर ही सकती है स्टेट गवर्नमेंट, और अदरवाइज और दूसरे भी, मींस ये जो अथॉरिटी को जहां रिस्ट्रिक्ट किया गया है अमेंडमेंट करने से, वो अमेंडमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती हैं. तो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, इन दोनों को जरूर पढ़ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. नाउ कम टू सेक्शन 13 का सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 3 क्या कहता है, कि जो भी अमेंडमेंट्स किए जाएंगे, चाहे वो अथॉरिटी करे या स्टेट गवर्नमेंट करे, दोनों में से जो भी करता है,
तो उसकी नोटिस वो पब्लिश करेंगे उस वहां पर के जो लोकल न्यूज़पेपर है वहां पर उस एरिया में, जहां मान लो अगर इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद में जो लोकल न्यूज़पेपर है वहां पर वो नोटिस पब्लिश करके जो अमेंडमेंट की गई है उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन है किसी की या कोई सजेशंस है, जैसे आपने पहले देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूवल भेजने से पहले भी उन्होंने वो सीक करना है, ऑब्जेक्शंस लेने हैं, सजेशंस लेने हैं, तो उसी तरह से जब अमेंडमेंट भी की गई तो वहां पर भी उन्होंने ये काम करना है अथॉरिटी ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कि ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, किसी की कोई ऑब्जेक्शन है, किसी के कोई सजेशंस हैं तो उनको आप बता दो। अब यहां पर लेकिन एक चीज आपने याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो नोटिस है ये कितने दिनों की होगी, तो मैं बता दूं आपसे कि कोई नोटिस के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है कि इतने समय के ही नोटिस दिया जाए कि 10 दिन में आपने बताना है या 20 दिन में बताना है, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है। जो भी नोटिस का टाइम उन्होंने देना है वो अमेंडमेंट वो वहां पर वो दे सकती हैं। और उसके बाद जो सबसेक्शन 4 कहता है जो भी अमेंडमेंट्स होंगे इट शैल बी पब्लिश्ड इन द मैनर एज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट थिंक्स फिट। ठीक है, अब जहां भी अथॉरिटी ये अमेंडमेंट्स करती हैं, जहां भी अथॉरिटी अमेंडमेंट करती है सेक्शन 13 में सबसेक्शन 1 में जो उसकी पावर है उसके अकॉर्डिंग, तो वो उसको कहां भेज देगी, क्योंकि मान लो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो बाद में जाएगा अगर अथॉरिटी नहीं कर सकती है, पावर नहीं है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अपने करना है या स्टेट गवर्नमेंट, तो अथॉरिटी ने क्या करना है, जैसे पहले आपने पढ़ा था उसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, तो उसी तरह से कि अमेंडमेंट किया गया है और उसको अब क्या यहाँ पर है, यहाँ पर टाइम फिक्स किया गया है, तो आपने याद रखना है कि अमेंडमेंट की जो रिपोर्ट है वो 30 दिन के अंदर विदिन 30 डेज इसको कहाँ भेजा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। जो भी अमेंडमेंट हुई उसको आपने याद रखना है कि 30 डेज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है सबसेक्शन 5 में। और सबसेक्शन 4 में वैसे ही था कि जो डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन होगा, जैसे आपने पहले पढ़ा था अपॉन द डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन, उस समय से माना जाएगा कि वो ऑपरेशन में अमेंडमेंट अब आ गया, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अब उसमें काम होगा। राइट, अब आ जाओ इसकी सबसेक्शन 6 के ऊपर। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि अथॉरिटी की जहां रिस्ट्रिक्शन है कि ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकती है कैरेक्टर ऑफ द प्लान में या फिर जो भी, तो जहां भी उस पॉइंट को लेकर के कोई कंफ्यूजन होती है कि वो अमेंडमेंट क्या ऑल्ट्रेशन, अगर मान लो डेवलपमेंट अथॉरिटी अमेंडमेंट कर दे तो क्या ये माना जाएगा कि ऑल्ट्रेशन हो गई, ये बदलाव हो गया इंपॉर्टेंट, इसमें ऑल्ट्रेशन के कैटेगरी में आ जाएगा, तो इसके लिए अगर यहां पर ऐसी कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्या किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास रेफर किया जाएगा और जो स्टेट गवर्नमेंट की डिसीजन होगी वो यहां पर फाइनल होगी। राइट, तो ये था आपका सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी सेक्शन 13 या सेक्शन 13, 14 तो अभी डिस्कस करना है, तो ये था आपका सेक्शन 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ सेक्शन 13 के बाद सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13 एंड 14 बोथ सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 14 क्या कहती है, 14 कहती है डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन द डेवलप्ड एरिया, डिक्लेरेशन भी हो गई, अथॉरिटी भी आ गई, अमेंडमेंट भी हो गई, अब डेवलपमेंट कैसे की जाएगी, डेवलपमेंट हाउ टू बी कैरीड आउट। तो इसमें जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है वो है कि वो वाइस चेयरमैन ने करना है, किसने करना है, वाइस चेयरमैन ने, बिल्कुल रट लेना एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही कि डेवलपमेंट जो है ये एरिया में डिक्लेरेशन हो जाने के बाद जो भी डेवलपमेंट होनी है लैंड की, तो ये परमिशन कौन देगा, किसकी परमिशन होगी इन राइटिंग, तो वो परमिशन होगी वाइस चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की परमिशन होगी और वाइस चेयरमैन ने अब करना है जो भी करना है, वहां पर सर्वे करना है, जाना है, जिसको भेजना है अपने अंडर की कोई अथॉरिटी है, कोई ऑफिसर है, जिसको भी वहां पर उस जगह पर ले जाना है, क्या देखना है, कैसे मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग सारा कुछ हो, ये सारी चीजें अब किसके पावर में आ जाती हैं, वाइस चेयरमैन के पावर में आ जाती हैं, वाइस चेयरमैन की परमिशन से ये सारे काम होंगे। सेक्शन 14 में जो आपने और दूसरे पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं वो है कि सेक्शन 14 के सबसेक्शन 3 को आप देखो, तो सेक्शन 14 का सबसेक्शन 3 कहता है
फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई इन रिलेशन टू डेवलपमेंट ऑफ लैंड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी, राइट। अब ये कह रहा है जो सबसेक्शन वन और टू में आपने पढ़ा, उसके बाद अब ये कह रहा है कि अब ये जो फॉलोइंग प्रोविजन है, ये जो आगे के ए बी सी में दिए हुए हैं, ये काम करेंगे कहां पर, जहां पर डेवलपमेंट ऑफ लैंड बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, उनके डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट, उनके द्वारा डेवलपमेंट ऑफ लैंड से संबंधित है, जहां पर वो इन रिलेशन टू डेवलपमेंट ऑफ लैंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें तीन पॉइंट आपने याद रखने हैं, ए बी सी, तीनों में कुछ डेज हैं वो आपने याद रखने हैं। पहला है जो ए है वो ये है, वाइस चेयरमैन को तो इन्फॉर्म किया ही जाएगा कि यहाँ पर ये हम डेवलपमेंट करना है यहाँ पर, लेकिन कितने दिन पहले। जैसे मान लो कि एक एक एमसीडी ने एक बिल्डिंग बनानी है, जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने एक बिल्डिंग बनानी है मान लो, तो 30 दिन के अंदर कि हाँ यहाँ पर एक बिल्डिंग बनानी है या यहाँ पर ये डेवलपमेंट करनी है, तो वो 30 दिन के अंदर बिफोर अंडरटेकिंग सच डेवलपमेंट वो वहां पर किसको इन्फॉर्म करेगा, वाइस चेयरमैन को, क्योंकि सबसेक्शन वन क्या कहता है कि परमिशन ली जाएगी वाइस चेयरमैन से, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कंफ्यूज मत होना, सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है तो भी वहां पर जब तक वाइस चेयरमैन की परमिशन नहीं ली जाएगी तब तक नहीं होगा। अब ये वही कह रहा है कि जो भी बात सबसेक्शन 1 में कही गई है उसके बावजूद अगर यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो भी है, तो वहां पर उनको 30 दिन पहले वो बताएंगे वाइस चेयरमैन को कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट कैरी आउट करना है, इसको इसके लिए प्लानिंग की गई है, इसके लिए इंटेंशन है, यहाँ पर इंटेंड किया जा रहा है। तो वहां पर अब अगर मान लो वाइस चेयरमैन ने जब उसको मिली वो रिसिप्ट मिला कि हाँ ये बताया गया उनको, लेकिन वाइस चेयरमैन ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, कितने दिनों तक, 3 वीक्स तक, याद रखना इसमें 3 वीक्स वाइस चेयरमैन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की 3 वीक्स तक। 30 दिन की दी गई थी, 30 दिन पहले दिया गया था, 3 हफ्ते तक, मतलब 3 × 7 = 21 days तक वाइस चेयरमैन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, कोई सजेशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया कि हाँ क्या करना है, तो माना जाएगा कि डिपार्टमेंट फ्री है, डिपार्टमेंट शैल बी फ्री टू कैरी आउट द प्रपोज डेवलपमेंट, वहां पर डिपार्टमेंट फ्रीली वो कैरी आउट करेगा। अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पर, जहां पर ऑब्जेक्शंस रेज कर दिया वाइस चेयरमैन ने कि डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट जैसा मास्टर प्लान बनाया गया है या जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाया गया उसके अकॉर्डिंग नहीं है जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वहां पर ऑब्जेक्शन रेज कर दी। तो जब ऑब्जेक्शन रेज किया वाइस चेयरमैन ने तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किया जाएगा जो प्रपोजल है, जो डिपार्टमेंट ने प्रपोजल दिया है, ताकि वो ऑब्जेक्शंस जो है वो ऑब्जेक्शन रिजॉल्व हो जाए, या फिर उस प्रपोजल को जो डेवलपमेंट की प्रपोजल है अलोंग विद द ऑब्जेक्शंस जो वाइस चेयरमैन ने रेज किया है उनके साथ स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसाइड करेगी। और जब स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रपोजल मिलेगा, जब स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रपोजल मिल जाएगा और ये भी उसमें साथ साथ मिल जाएगा कि वाइस चेयरमैन की कहाँ ऑब्जेक्शन है इसको अप्रूव करने में, तो वहां पर वो देख लेगा कि इसमें क्या करना है, क्या मॉडिफिकेशन जो अप्रूव जो वाइस चेयरमैन सजेस्ट कर रहे हैं वो सही है, वो जरूरी है, वो मास्टर प्लान और डेवलपमेंट प्लान जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी कंफॉर्मिटी में होनी चाहिए, तो वहां पर उसको सजेस्ट करके प्रपोज करके जो भी होगा वो स्टेट गवर्नमेंट फाइनल कर देगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट की डिसीजन होगी इन दिस रिगार्ड इट शैल बी फाइनल। ये यहां पर सेक्शन 14 कहती है, राइट। तो सेक्शन 14 आपने याद रखना है। मैं यहां पर थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं आराम से, ताकि आपने आप उसको पॉज करके अगर कोई ये आपने केस लॉ कोई नोट डाउन करना है तो आप उसको नोट डाउन कर सकें, क्योंकि इसमें सारे केस लॉज भी अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर दिए गए हैं, राइट। तो इससे आपको क्लैरिटी और आ जाएगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 14। अब आ जाओ सेक्शन 14 के बाद सेक्शन 15 के ऊपर। सेक्शन 14 के बाद सेक्शन 15 है एप्लीकेशन फॉर परमिशन। अब परमिशन फॉर व्हाट, सब कुछ तो हो गया परमिशन, अब किसको परमिशन लेनी है, किससे परमिशन लेनी है, किस चीज के लिए लेनी है, तो यहां पर आप नोट डाउन कर लेना
ये परमिशन जो होती है, आप जो मैप अपना बनाते हैं, जैसे मान लो जिसको आप हिंदी में कहते हैं नक्शा पास कराना, बड़ा एक कॉमन टर्म है, हर कोई कहता है नक्शा पास कराओ पहले। तो ये जो नक्शा पास कराने का काम है, यही सेक्शन 15 है, एप्लीकेशन फॉर परमिशन, सेक्शन 15, नक्शा पास कराना, ये बिल्कुल लिख लेना और याद भी रखना। ये नक्शा पास कराने का कराने के लिए चाहे कोई भी जो बॉडी है, एवरी पर्सन और बॉडी, इसमें आपने याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट नहीं आते हैं इसमें, ये पर्सन और बॉडी जो भी है, चाहे मान लो किसी कोई कमर्शियल स्पेस के लिए है, कोई कोई घर के लिए है, कोई फ्लैट प्लॉट अलॉट हुई है, जो भी है, जिस भी तरह का है, जहां भी पास कराना है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, ये भी वाइस चेयरमैन के पास दी जाएगी। इन सच फॉर्म एंड कंटेनिंग सच पार्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट टू विच द एप्लीकेशन रिलेट, तो यहां पर ये एप्लीकेशन दे दी जाएगी। और यहां पर वाइस चेयरमैन को एप्लीकेशन दी गई, इसमें आपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसेक्शन 2A को जरूर याद रखना, प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखोगे इसमें ये क्वेश्चन आए हैं। सॉरी, डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, डेवलपमेंट अथॉरिटी शैल बी इंटाइटल टू लेवी, कौन कौन सी फीस लेवी कर सकती है, तो डेवलपमेंट फीस, म्यूटेशन चार्जेज, स्टैकिंग फी, वाटर फीस, ये चारों फीस आपने याद रखना। और इसके साथ एक और ऐड कर लेना, बिटरमेंट चार्जेस, ये भी आ सकता है, बिटरमेंट चार्जेस भी लेवी कर सकती है, वो सेक्शन 35 में दिया गया है उसके बारे में। तो ये पांच आपने याद रखना है, डेवलपमेंट फीस, म्यूटेशन चार्जेस, स्टैकिंग फीस, वाटर फीस एंड बेटरमेंट चार्जेस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टैकिंग फी कहते हैं, मान लो आपने अथॉरिटी की जमीन के ऊपर कोई मलबा इकट्ठा कर दिया है और उसको आपने हटाया नहीं है, तो उसके लिए वहां पर वो लगा सकते हैं, आपके ऊपर फाइन कर सकते हैं, राइट। बाकी वाटर डेवलपमेंट और म्यूटेशन तो आप समझ ही रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है सब सेक्शन 2A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिल्कुल याद रखना ये चारों पॉइंट्स इसमें, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, राइट। तो ये था आपका सेक्शन 15, जहां पर एप्लीकेशन ली जाएगी, जो नक्शा पास कराना है उसके लिए परमिशन ली जाएगी। सेक्शन 15 के अब आ जाओ सब सेक्शन 5 के ऊपर, सेक्शन 15 का सब सेक्शन 5 अब इंपॉर्टेंट है। अब 5 क्या कहती है इसकी, कि जो भी, इसका पहले 4 देख लो फिर 5 देखना। 4 इसमें ये कहता है, जहां पर परमिशन रिफ्यूज कर दिया गया, तो रिफ्यूज कर दिया गया तो नेचुरली वो ग्राउंड जो है रिफ्यूजल के, वो क्या किए जाएंगे, उसको कम्युनिकेट किए जाएंगे। किसको कम्युनिकेट किए जाएंगे, एप्लीकेंट को, कि आपका इस ग्राउंड के ऊपर रिफ्यूज कर दिया गया है। अब यहां पर वाइस चेयरमैन ने इंक्वायरी करनी है, जो भी उसने पता लगाना है नक्शा पास करने से पहले, सब कुछ उसने देखना है, रिक्विजिट फीस वगैरह होनी चाहिए रिलेवेंट रूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग। अब यहां पर सेक्शन 5 ये कहता है, सब सेक्शन 5 ये कहता है कि जो भी, जिसका नक्शा पास नहीं हुआ, जिसका रिफ्यूज कर दिया गया, वाइस चेयरमैन ने मना कर दिया, तो अग्रीव्ड पर्सन हो गया, अब वो कहां जाएगा, वो अपील में जाएगा। किसके पास अपील करेगा, चेयरमैन के पास अपील करेगा। चेयरमैन कौन होते हैं, कमिश्नर होते हैं। कितने दिनों में अपील करेगा, 30 डेज में करेगा, बिल्कुल याद रखना सब सेक्शन 5 और 15, अपील बिफोर चेयरमैन विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर वो अपील फाइल करेगा, और उसके बाद उस अपील को डिसाइड कौन करेगा, चेयरमैन करेंगे। अब क्या आप कहोगे कि चेयरमैन के अपील के डिसीजन से अगर मान लो तो अगर वो फिर भी अग्रीव्ड होता है, तो क्या उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि डिसीजंस फाइनल, डिसीजंस फाइनल। तो मैं आपको बता दूं कि रिवीजन का पावर होता है सेक्शन 41 में, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, शहरी विकास नियोजन के, उनके पास वहां पर वो रिवीजन का पावर होता है सेक्शन 41 को, जो आप देखेंगे जब मैं डिस्कस करूंगा तो इस बारे में डिटेल में बताऊंगा। और अगर रिवीजन में भी अग्रीव्ड होता है तो वो रिट पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि रिट पिटीशन वहां पर वो फाइल कर सकता है। अगर उससे पहले वो रिट पिटीशन फाइल करता है तो नेचुरली हाई कोर्ट में वहां पर मेंटेनेबिलिटी का इश्यू आता है, और इन सब केसेस में जनरली हाई कोर्ट्स एंटरटेन नहीं करती है, डिसमिस कर देती है, अनलेस देयर इज एन अपेरेंट एरर ऑन रिकॉर्ड, और यहाँ पर कोई लॉ की कोई जो क्वेश्चन है वो इन्वॉल्व है, या फिर उसकी वायलेशन हुई है, कॉन्ट्रावेंशन में काम हुआ है, तो रिट पिटीशन तक रेमेडी होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर के बाद अब कोई रेमेडी नहीं होती है, तो इसके बाद वहां भी जा सकते हैं, सेक्रेटरी के पास भी जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रिवीजन की पावर होती है, वो रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सबसेक्शन 9 भी याद रखना, 15 का सबसेक्शन 9 क्या कहता है इसका,
कि अगर मान लो कोई परमिशन ग्रांट कर दी गई है, ठीक है, और उस परमिशन जो ग्रांट की है, तो जिसने एप्लीकांट जो है, जैसे मान लो जो एप्लीकांट है उसने जो लगाया था, जब एप्लीकेशन लगाई थी नक्शा पास कराने के लिए, तो उसने मिसरिप्रेजेंटेशन करी थी, उसने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट दिए थे, या जो इन्फॉर्मेशन उसने फर्निश किया था वो गलत थे, गलत बातें उसने उसने बताई थी, तो वो कैंसिल भी कर सकता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैंसिलेशन की पावर कहाँ है वाइस चेयरमैन की, तो वो सेक्शन सब सेक्शन 9 में है, और अपील की कहाँ जाना है आपने, चेयरमैन के पास जाना है, राइट। लेकिन कोई भी परमिशन जो दे दी गई है उसको कैंसल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर दिया जाए कि वो अपनी बात बता सके। देखो इसमें पहला केस है ना, रिट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सैंक्शन प्लान, इट इज मेंटेनेबल, राइट। रिट पिटीशन इज देयर फॉर मेंटेनेबल। तो रिट पिटीशन इसमें वो देखा जाता है, नेचुरली ये तो केस के ऊपर है कि केस टू केस वेरी करता है, उसको डिसाइड किया जाएगा कि रिट पिटीशन मेंटेनेबल है नहीं है क्या है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये सेक्शंस भी साथ साथ हैं। अब 15A पर आ जाओ। 15A आपका कहता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है, तो नेचुरली जब आपने कंप्लीट कर ली डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड प्लान, तो आप उसका नोटिस भेज देंगे अथॉरिटी को, और वहां से आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेनी है। अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट 3 महीने के अंदर आपको मान लो ग्रांट नहीं किया गया, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं किया गया और 3 महीने के अंदर आपको इंटीमेट भी नहीं किया गया, तो माना जाएगा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया गया अथॉरिटी को। तो इसमें याद रखना है इसकी प्रोविजो, 15A की प्रोविजो, कि अगर 3 महीने के अंदर अगर मान लो कि आपको कोई भी ग्रांट और रिफ्यूजल का कोई भी नोटिस या फिर कुछ भी उसके बारे में बात नहीं की गई, कुछ अगर मान लो ग्रांट नहीं किया गया और रिफ्यूजल आपको इंटीमेट नहीं किया गया 3 महीने के अंदर, तो ये माना जाएगा कि वहां पर वो ग्रांट कर दिया गया है। तो वहां पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इट शैल बी डीम्ड दैट द कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी। 15A का प्रोविजो आप रीड कर सकते हैं, राइट। अब आ जाओ सेक्शन 16 के ऊपर। सेक्शन 16 कहता है यूजेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्लान्स। तो आपने परमिशन ले ली 15 में, 14 के अकॉर्डिंग सब कुछ कर लिया आपने, यहाँ पर सारा काम हो गया। अब यहाँ पर अगर मान लो कोई लैंड और बिल्डिंग्स है जिसकी कॉन्ट्रावेंशन में हुई है प्लान्स की, मास्टर प्लान या जोनल डेवलपमेंट प्लान के कॉन्ट्रावेंशन में अगर मान लो कोई है, तो उस केस में नो पर्सन शैल यूज और परमिट टू बी यूज एनी लैंड और बिल्डिंग इन दैट जोन अदरवाइज देन इन कंफर्मिटी विद सच प्लान्स, प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी लॉफुल टू कंटिन्यू टू यूज अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय बायलॉज मेड इन दैट बिहाफ एनी लैंड और बिल्डिंग फॉर द पर्पस एंड टू द एक्सटेंट फॉरन टू विच इट इज बींग यूज अपॉन द डेट ऑन विच सच प्लान कम्स इन टू फोर्स। सेक्शन 16 का वैसे यूज प्रैक्टिकल कम है, बट फिर भी आपने याद रखना है कि जो भी ये प्लान्स जब आ गई है तो किसी को भी परमिट नहीं किया जाएगा कि वो उसको यूज करे इन इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्लान्स। तो ये था आपका सेक्शन 16। अब चैप्टर 6 है इसमें, और आगे इसमें डिमोलिशन है और उसके आगे रिवीजन है। तो ये जो है ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर टुडे। अब इसमें जो आगे है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ सेक्शंस, 27 तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिमोलिशन के बारे में बात करता है, 26 पेनल्टीज के बारे में बात करता है, कुछ बड़े बड़े सेक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, तो उनको हम डिटेल में। और डिमोलिशन अभी देखो यूपी में काफी हो रही है, जो गैंगस्टर्स माफियाज हैं उनको योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट काफी कर रही है, तो इन सबको डिस्कस करेंगे, रिविजन की पावर को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको यूपी अर्बन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग एक्ट को। जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया वो सारे सेक्शंस जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, 2-3 बार आप लेक्चर्स को सुन लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप इसको कर पाएंगे एग्जाम में। ओके, राइट, थैंक यू।